हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके संविधान से रिलेटेड। और यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे वो पूरे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, ताकि यहाँ से आपके जो संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूरे कम्प्लीट हो जाए। तो आपकी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर आपकी एग्जाम बहुत पास आने वाली है, इसीलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, ताकि ये संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके पूरे कम्प्लीट यहाँ से हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आप एमपी पुलिस, एमपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीटीईटी कोर्स पे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको इन सभी की बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ओके, और सर्वश्रेष्ठ तैयारी आप जो कि टेस्ट सीरीज होगी इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे दे रखी है, वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यदि आप हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 40% का पूरा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ से इन कूपन कोड को यूज करके आप बिल्कुल इन जो कि डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ संविधान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो रहा है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है। तो कितने दिन के अंदर जो कि उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक होता है जब राष्ट्रपति के पास वह भेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, कोई समय सीमा इसकी नहीं रहती है, उसको कितना भी टाइम पीरियड, कोई भी टाइम पीरियड उसका नहीं रहता है कितने दिनों के भीतर उस पर कार्यवाही जो है करना आवश्यक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन रहा था? देखिए 26 जनवरी 1950 की यहाँ पर बात की जाए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम जो चुनाव हुआ था जब से लेकर भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था, ये आपको बताना है। देखिए फर्स्ट जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। कितना भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछा जाए बट आप बिल्कुल बने रहिए, अपने जो कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अगर है तो बिल्कुल आप इजिली इसका राइट आंसर क्लिक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है? अब ये जो होती है वो राष्ट्रपति में होती है, आप सभी को आई होप कि इसके बारे में पता होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो ये जो होता है वह नहीं है, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, जो जनमत संग्रह की जो कि व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जनमत संग्रह जो होता है उसकी व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद में किस जो कि संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? अब संवैधानिक संशोधन की यहाँ पर बात की जाए तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी सदन में, लोकसभा में पेश किया जाए, राज्यसभा में, किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद के में प्रतिपादित किया है? तो ये जो किया है केशवानंद भारती वाद 1973 में किया है, तो ये आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो किया जाता है राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत किया जाता है सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट, आप सभी को ये याद रखना है। मोस्ट आईएमपी है, अभी बजट भी पेश हुआ है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? तो किस राज्य की यहाँ पर बात की जा रही, किस राज्य की? तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसके जो प्रधान को पहले जो प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था, ये आप सभी को याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वयन का कार्य करता है, तो ये कार्य कौन करता है? ये जो कार्य करता है मंत्रिमंडल सचिवालय करता है, याद रखना है क्वेश्चन को। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक जो कि सलाह लेता है? तो ये जो लेता है वो आपका अनुच्छेद 143 के अनुसार जो कि के अंतर्गत जो कि जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से वाद विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है।
अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है एक बार लगाया गया है, ये आपको याद रखना है। जो न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन पर महाभियोग केवल एक बार लगाया गया है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय तक चुने जाते हैं? समय के लिए चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के जो चुने जाते हैं 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है? तो ये जो जारी करता है वो मंत्रिपरिषद की सहमति से जारी कर सकता है, खुद की मर्जी से जारी नहीं किया जा सकता है। ये जो कि मंत्रिपरिषद जब तक इस पर सहमति नहीं देगा तब तक ये जो कि जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये जो जारी किया जाता है मंत्रिपरिषद की सहमति से ही जारी किया जाता है। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? अब कृषि को जो राज्य सूची में रखा गया है आप सबको याद रखना है, कृषि जो होती है राज्य के अंतर्गत आती है और राज्य सूची में ही इसको रखा गया है। लोकसभा का नियम समिति का अध्यक्ष होता है, लोकसभा की नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो ये होता है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, आप सबको याद रखना है। लोकसभा की नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के जो के अंतर्गत किया जाता है? अब ये जो किया जाता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है, आप सबको याद रखना है। केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा होता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अब ये जो है 63 जो आर्टिकल है आपके अनुच्छेद 63 उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, तो ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो कि करता है? तो ये 360 के अनुसार कर सकता है, आधार पर कर सकता है वित्तीय आपातकाल का उद्घोषणा। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका से संविधान से जो कि ली गई है, भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका, आपको सभी को ये याद रखना है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? अब देखिए इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र के संरक्षण का जो कि संरक्षण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है जो आर्टिकल 21 है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध जो कि कानून विषयक प्रावधान है? तो ये जो है दल बदल जो कानून विरोध कानून जो है वो आपका संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुसूची में है, तो ये 10वीं अनुसूची में, आप सभी को यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? अब जब आपातकाल लगा होता था जब जो कि लोकसभा का जो कार्यकाल है एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में जो कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। एक बार जब इसका जो कि बढ़ाया जाता है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, आप सबको याद रखना है। भारतीय संविधान की किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है, ये आप सबको याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब नेक्स्ट है आपका संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? आई होप आप सभी को इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही किया था संविधान निर्माण के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? अब देखिए प्रारूप समिति को जो कार्य सौंपा गया था परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना, ये जो कार्य था वो था प्रारूप समिति का, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। संविधान सभा का अंतिम दिन था, अब देखिए संविधान सभा का जो अंतिम दिन था वो था आपका 24 जनवरी 1950, आपको सभी को ये याद रखना है, आपको सभी को आयोग पहले से इसका पता भी होगा। विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि प्रदान किया गया है? अब ये जो किया गया है वो आपका अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, तो विधि के समक्ष समता या समानता का जो अधिकार है ओके, तो ये जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? अब ये जो लेता है वो आपका राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है राज्यपाल, आप सभी को यह याद रखना है ओके।
तो राज्यपाल अगर पद ग्रहण करता है तब उसके पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, तो वो जो लेता है राज्यपाल के राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है, और राष्ट्रपति के समक्ष भी लेता है जब राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद में फिर इन दोनों के समक्ष लेता है। तो ये आप सभी को याद रखना है। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? अब राज्य का निम्न जो सदन है उसको विधानसभा कहा जाता है। अब याद रखिए, राज्य का, केंद्र का नहीं पूछा, राज्य का पूछा है, इसलिए विधानसभा आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।